अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दोस्तों व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छे से हूँ, मतलब अच्छे से हूँ, लेकिन थोड़ा सा ज़ुकाम है। वो अल्लाह पाक की मदद से ठीक हो जाएगा, और आप लोग भी अल्लाह की मदद से खैरियत होंगे आई होप। तो नाज़रीन व्यूअर्स दोस्तों, अभी सुबह हुई है और मैं चाय बनाऊंगी। मेरी बेटी सो रही है इसीलिए जल्दी जल्दी उठ गई हूँ। और मेरी कुछ मुर्गियाँ हैं, और हंस, हम हंस बोलते हैं, मतलब डूडाक है, बत्तख, हिंदी में बत्तख बोलते हैं, हम हंस बोलते हैं। तो देखिए, वो उसको छोड़ दिया मैंने, वो निकल रहे हैं, तो देख लीजिए, यहाँ से देख रहे होंगे आप लोग डॉग्स। वो सुबह सुबह इतनी चिल्लाती है, क्या बोलूँ मैं, सो नहीं पाती, तो उसे पहले छोड़ना पड़ता है। तो मैंने इसका आवाज़ जो है म्यूट कर दिया। अभी मैं चाय बनाऊँगी किचन में जाकर, तो मैं सब कुछ वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी। देखिए, मैंने पानी में चाय पत्ती, चीनी और नमक डाल दिया और वो बल आ गई है। अब मैं कुछ और एक हंडी पे या सॉस पैन पे, हंडी पे ही दे दूँगी छोटा सा, उसमें दूध डालूँगी और वो जो हो रहे हैं वो डालूँगी। तो नाज़रीन देखिए, गैस की दूसरी साइड पे की फ्लेम पे मैंने ऑन कर दिया और जला दिया, और यहाँ दूध डालूँगी और चाय बना लूँगी। नाज़रीन, मैं अभी बता रही हूँ कि मैं आज कुछ नेचुरल और सुंदर सी चीज़ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, मतलब कुछ क्यूट सा आप लोगों को दिखाऊंगी। इतनी सुंदर लगती है देखने में नेचुरल चीज़ें। मैं बता दे रही हूँ कि एक टाइनी बर्ड ने हमारे घर के सामने एक छोटा सा पेड़ पे अपना घोंसला बनाया है, तो वही दिखाऊंगी। तो नाज़रीन, मेरी चाय हो गई है, अभी मैं चाय पीऊँगी, और मेरी सास ससुर उठ गए हैं, हम तीन लोग चाय पियेंगे, और बाकी लोगों के लिए रख दूँगी, उठेंगे तब पियेंगे। तो व्यूअर्स दोस्तों, मैं दिखा रही हूँ, देखिए मेरे घर के सामने एक छोटा सा पेड़ है, फूल का पेड़, उस पे दो टाइनी बर्ड ने अपनी घोंसला बनाई है, और अंडे भी देकर अपने बच्चे भी हो गई है, अभी 5 बच्चे हैं। देखिए छोटा छोटा है, देखिए छोटा छोटा, इतना क्यूट है, क्या बताऊँ। और अब जो चिल्लाते हैं वो सुबह के समय जब पेरेंट्स खाना लेकर आते हैं, तो क्या बताओ, इतनी अच्छी लगती है, रिलैक्स होते हैं ये आवाज़। देखिए इतना क्यूट है, और इसका घोंसला भी कितना क्यूट है, कितनी अच्छी तरह से बनाई है। और देखिए सामने से देखिए कितना बड़ा कितना छोटा पेड़ है, मेरी समान मतलब 5 फुट है शायद ये पेड़, फूल का पेड़। तो बच्चा ने पेटी करके घोंसला भी गंदे कर दिए है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हो गए हैं ये बच्चे। और देखिए यहाँ से दूर से देखिए कितना क्यूट है। और अभी पेरेंट्स मतलब तैनी दोनों बर्ड चले गए हैं खाना ले आने के लिए, खाना लेने के लिए, और बच्चे को छोड़कर, इसलिए मैं वीडियो कर पा रही हूँ। अगर वो लोग देख लेंगे मैं पास में हूँ तो फिर नहीं आएंगे और बच्चे को छोड़ देंगे ऐसे। तो मैंने से देख कर बना वीडियो कर रही हूँ कि माँ बाप दूर चले गए हैं, सिर्फ वीडियो करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो नाज़रीन व्यूअर्स, मुझे मेरी वीडियो को लाइक्स कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को, और शेयर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे कुछ अच्छी तरह से करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो। मैंने देखिए है ना, ये क्यूट, इतना क्यूट नेचुरल चीज़ है, इतनी मज़ेदार और इतनी क्यूट है ना। अभी माँ बाप नहीं है तो मैं आप लोगों को बच्चे भी दिखाऊंगी। देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैं निकल के लाई हूँ, इतने पास है तो इसीलिए, और मुझे भी अच्छे लगते हैं बच्चे, पक्षियों के बच्चे। देखिए टाइनी, इतना छोटा छोटा है, कैमरे पे है, आप लोग शायद थोड़ा बड़ा दिखेंगे, लेकिन वो छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे थे, मेरी हाथ
हाथों पे देखिए पांच बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा उड़ना भी सीख गए। तो नाज़रीन दोस्तों, अभी कुछ अंधेरा हो रखा है, शायद आज तेज़ बारिश होने वाली है, इतना अंधेरा हो रखा है। तो अगर व्यूअर्स दोस्तों, अभी तक मैंने खाना नहीं बनाई तो मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैं सफ़ेद ऑमलेट और इसके साथ मैगी बना के खा रही हूँ। तो देखिए, देखने में मज़ेदार है, खाने में भी मज़ेदार है। तो आप लोगों को जिस चीज़ को मैगी पसंद है, आप लोगों को शायद मुंह में पानी आ रहे हैं ऑमलेट और मैगी देख के, तो आप लोग तो मेरे साथ नहीं खा पाएंगे, तो बना के खा लीजिए। मुझे बहुत भूख लग रही है, इसीलिए मैं नाश्ता कर रही हूँ। इसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी, अगर वीडियो कर पाऊँगी खाने का तो दिखाऊँगी, वरना नहीं। तो व्यूअर्स दोस्तों, मैंने बताया था बहुत अंधेरा हो रखा था, तो अभी तेज़ तेज़ इतनी तेज़ बारिश आई है कि एक दूसरे की बात भी नहीं सुन पा रही और घर से भी निकल नहीं पा रही। तो जो भी है देखिए, लेकिन बहुत इंजॉय कर रही है वो, बहुत दिनों बाद बारिश आई है इतनी तेज़। मैं घर से इंजॉय कर रही हूँ, बारिश का मज़ा ले रही हूँ, और मैं सुबह का खाने का वीडियो नहीं कर पाई, तो इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी कि क्या बनाई हूँ। अगर दिखा पाती तो सब मैं बताती, वीडियो नहीं कर पा रही तो नहीं बताऊँगी अभी क्या बना के खाई। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, घर से देख रही हूँ। नेचुरल चीज़ बहुत पसंद है, जैसे कि बारिश, पक्षियाँ, और जो नेचुरल चीज़ है वो बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी बताना कि आप लोगों को बारिश पसंद है और नेचुरल चीज़ पसंद है क्या। व्यूअर्स दोस्तों, बारिश तो ख़त्म हो गई, इसके बाद मैं नहा लिया और नहा कर अपनी जहर का नमाज़ अदा करके अभी घर से निकली हूँ बरंदे पे। तो इतनी बारिश होने के बाद भी कुछ थोड़ा थोड़ा धूप भी निकल आई है, आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे पीछे से। तो मैं अभी बरंदे पे आई और बरंदे पे मेरी बच्ची के साथ वो नई नई वॉक कर रही है, नई नई सीखी है, तो उसकी उसी के साथ मैं खेल रही हूँ और वीडियो कर रही हूँ। मेरी बोलना थोड़ा स्लो हो रही है क्योंकि मैं नई नई वीडियो कर रही हूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ स्पीड में बोलने के लिए। तो आप लोगों की ढेर सारा सपोर्ट चाहिए प्लीज़। मग़रिब की नमाज़ हमने अदा कर लिया, और देखिए मैंने चाय बनाई है और पापड़, अब चाय और पापड़ खाऊंगी सब। तो आप लोगों को ये वाला पापड़ पसंद है क्या व्यूअर्स? साथ में चाय भी है, मुझे तो बहुत मज़े लगती है। देखिए दोस्तों, मैं कप पे चाय डाल रही हूँ, इसके बाद पापड़ से खाऊंगी मैं। मैं तो ये लंबे वाला पापड़ ऐसे मुँह पे रखती हूँ और करके चाय पीती हूँ, जब ये खाती हूँ, लेकिन अभी नहीं खा रही।
रात में खाने के लिए व्यूअर्स दोस्तों मैंने ऑमलेट बनाई है और साथ में दाल बनाई है एकदम सिंपल तरीके से। और इसके साथ थोड़ा गोश्त था तो मैंने गोश्त का अपनी स्टाइल अपनी तरीके से एक रेसिपी बनाई है। तो इसका वीडियो ज़्यादा अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, बाद में स्पेशल तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो रेसिपी। और बताना मेरी रेसिपीज कैसी लगी और मेरी चैनल को आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मुझे आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।